समय पहले ही चीन की एक कंपनी बोतल निर्माता कंपनी के मालिक ने मुकेश अंबानी को एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित किया है और अब वो चीनी व्यक्ति एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े स्तर पर पानी को बेचकर भी कई व्यक्ति इतना अधिक मुनाफा कमा रहे हैं कि वो पूरे एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप ही कैसे भारत में बड़े स्तर पर पानी बेचने का व्यवसाय कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और कौन सी प्रक्रिया की सहायता से आप इस व्यवसाय में सफल हो पाएंगे। आइए जानते हैं इस तरह बनाए अपना एक बिजनेस प्लान। आप भी पानी बेचने के इस व्यवसाय में अपना एक बिजनेस प्लान बना सकते हैं जिसमें आप कुछ चीजों को पहले से ही सोच कर रख सकते हैं, जैसे किस क्षेत्र में अपना वाटर प्लांट लगाएंगे, आपका टारगेट कस्टमर बेस कौन होगा, आप बोतल में बंद किया हुआ पानी बेचेंगे या फिर आप अपने एक स्थायी ग्राहक के तौर पर लोगों को जोड़कर उन्हें कैन के माध्यम से पानी बेचेंगे। पहले ही तय कर सकते हैं अपने पानी की कीमत, पहले से ही सोच कर रखें अपने व्यवसाय का नाम। इस तरीके से बनाया हुआ एक संपूर्ण बिजनेस प्लान आपके व्यवसाय को सफल बनाने में बहुत योगदान करेगा। कितनी होगी लागत? आपकी लागत आपके द्वारा निर्धारित की गई लोकेशन पर निर्भर करेगी। यदि आप ऐसे क्षेत्र में अपना वाटर प्लांट स्थापित करते हैं जहां पर पानी की अच्छी खासी उपलब्धि है, तो वहां पर आपको वाटर प्लांट लगाने में कम निवेश करना होगा, क्योंकि उसके लिए आपको पानी ढूंढने के लिए गहरे अंदर तक बोरवेल करवाने की आवश्यकता नहीं होगी और आप एक बड़ी फिल्टर मशीन लगाकर पानी की फिल्टर करके बोतल में पैक कर बड़ा व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। इस व्यवसाय में आपकी लागत लगभग 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच में होगी। इसके लिए आपको एक वाटर प्लांट स्थापित करना होगा जिसकी कीमत 7 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। जितना बड़ा वाटर प्लांट आप बनाना चाहेंगे आपका निवेश उतना अधिक होगा। इसके अलावा आपको अपने बोतल बंद किए हुए पानी या फिर कैन इत्यादि को अपने ग्राहकों तक या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाने के लिए परिवहन में काम आने वाले साधनों की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए आप किसी बड़ी गाड़ी जैसे कि पिकअप या फिर छोटे टेम्पो प्रकार के पिकअप खरीद सकते हैं। यदि आपके पास अच्छा निवेश है तो आप अपनी कंपनी को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें। क्या आपको पता है कि कुछ समय पहले ही शुरू हुआ बिस्लेरी ब्रांड आज भारत का नंबर 1 बोतल बंद पानी उपलब्ध करवाने वाला ब्रांड बन गया है। आज आपको मार्केट में बिस्लेरी कंपनी के नाम से मिलती जुलती कई नकली कंपनियां अपने प्रोडक्ट बेचते दिख जाएंगी। ऐसी पेटेंट चोरी से बचने के लिए आप अपनी कंपनी और अपने नाम तथा उससे मिलते जुलते नामों को पेटेंट करवाएं, जिससे कि भविष्य में आपकी कंपनी यदि ब्रांड के रूप में स्थापित हो जाए तो आपको इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। कितना हो सकता है मुनाफा? मुख्यतः आपका मुनाफा आपके ग्राहकों की संख्या पर निर्भर करेगा, क्योंकि जितना अधिक मात्रा में आप अपना बोतल बंद पानी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और ग्राहकों तक पहुंचा पाएंगे उतना ही आपका कमीशन भी बढ़ता जाएगा। 15 से 20 लाख रुपए तक के निवेश में इस व्यवसाय में आसानी से महीने का 1 लाख का मुनाफा कर पाएंगे। बिस्लेरी के द्वारा रिलीज की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 1 लीटर पानी को बेचने की मार्केट कीमत लगभग 20 रुपए होती है, जिसमें कंपनी को पानी को बोतल में पैक करने और फिल्टर करने की कीमत लगभग 5 रुपए तक आती है और 1 लीटर पानी लगभग 8 रुपए का मिलता है। इस प्रकार कुल कीमत 12 रुपए तक बढ़ती है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और मार्केटिंग के खर्चे को निकाल दें तो कंपनी के पास लगभग 20 से 25% तक मुनाफा बचता है। एक पानी की बोतल पर लगभग 3 से 4 रुपए का मुनाफा होता है। इस आधार पर आप अपनी प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितना मुनाफा कर पाएंगे। इस तरह बनाएं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। यदि आप अपने व्यवसाय को बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको अपने निवेश का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी मार्केटिंग पर खर्च करना होगा। इसके लिए आप अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। वर्तमान में ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑफलाइन मार्केटिंग एक सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है। ऑफलाइन मार्केटिंग में आप नेटवर्क मार्केटिंग की सहायता से अपनी बेहतरीन सेवा प्रदान कर एक ग्राहक की मदद से दूसरे ग्राहक को अपने प्रोडक्ट लेने के लिए आकर्षित कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन मार्केटिंग पर आप अपने एडवर्टीजमेंट या फिर सोशल मीडिया नेटवर्क का फायदा उठाकर अपनी कंपनी का एक ब्रांड के रूप में प्रचार कर सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग आपको काफी सस्ती भी पड़ेगी और इससे अधिक लोगों तक आपकी पहुंच भी तय हो पाएगी। एक बार आपकी कंपनी लोकप्रिय होने पर आपको मार्केटिंग जैसी चीजों पर अपना खर्च कम करने, अपनी प्रोडक्शन और गुणवत्ता में सुधार करना होगा। साथ ही आप इंटरनेट की सहायता से अपनी एक वेबसाइट बनाकर उस वेबसाइट को भी एक मार्केटिंग टूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट पर डाली गई खबर बहुत ही त्वरित गति से लोगों तक पहुंचती है। गूगल के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके की मार्केटिंग के बीच में हुए सर्वे में वर्तमान समय में लोगों और बड़ी कंपनीज ऑनलाइन मार्केटिंग को 70% से भी अधिक प्राथमिकता दे रही हैं। बड़ी कंपनीज के साथ करें टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और अपनी डिस्ट्रीब्यूटर से बनाएं अच्छे संबंध।
आप अपने उत्पादन को सुधारने के लिए इस क्षेत्र में सक्रिय बड़ी कंपनीज के साथ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एग्रीमेंट कर सकते हैं और आप उनकी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके अपना उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। साथ ही आप उन कंपनीज की तरह रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर अपने बजट का थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं। इससे आपको नए प्रकार के इनोवेशन के बारे में जानकारी मिलेगी जो कि इस व्यवसाय में आपकी लागत को कम करेगी। इसके अलावा आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी अपने साथ जोड़ रखें और हमेशा उनसे अच्छे संबंध बनाए रखें, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर ही होगा जो आपके प्रोडक्ट को रिटेल शॉप तक पहुंचाने का काम करेगा। इस प्रकार आप अपने पानी बेचने के व्यवसाय को अपना मुख्य व्यवसाय बनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमाने के साथ ही लोगों के लिए स्वच्छ पानी भी उपलब्ध करवा सकते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।